गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर फर्स्ट का चल रहा है व्यवसाय पेशा और रोजगार में क्या अंतर है। व्यवसाय पेशा और रोजगार दोनों तीनों वर्ड एक ही जैसे लगते हैं लेकिन इनमें काफी अंतर है। तो क्या अंतर है देखिए, क्रम संख्या में नंबर वन अंतर का आधार स्थापना की विधि। व्यवसाय कैसे स्थापित होता है, पेशा कैसे स्थापित होता है, रोजगार कैसे स्थापित होता है। व्यवसाय में उद्यमी का निर्णय एवं कानूनी औपचारिकता है। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उद्यमी यानी जो भी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है उसको निर्णय लेना पड़ता है और व्यवसाय की जितनी भी कानूनी औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। पेशा किसी भी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता एवं प्रमाण पत्र। रोजगार में देखिए, नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता यह आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा होता है। अंतर का आधार देखिए स्थापना की विधि। व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उद्यमी का निर्णय और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक होता है। पैसे के लिए किसी भी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता का प्रमाण पत्र, काउंसिल का प्रमाण पत्र सदस्यता और उसका प्रमाण। रोजगार के लिए जाने व्यक्ति रोजगार करता है वहां का नियुक्ति पत्र और सेवा समझौता। सेकंड देखिए, कार्य की प्रकृति अंतर का आधार है। कार्य की प्रकृति किसमें कार्य की कैसी प्रकृति होती है, जनता को वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराना। व्यवसाय का क्या कार्य है, जनता को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। पेशा विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना। और रोजगार सेवा समझौते के अनुसार कार्य करना। देखिए ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है।
कार्य की प्रकृति देखिए, व्यवसाय में जो कार्य होता है जनता को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, पेशा पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं जिनके पास में अपने विषय का विशेष ज्ञान होता है, उसके विशेषज्ञ होते हैं, समाज की सेवा करते हुए वो आय अर्जित करते हैं, इनका क्या काम है, विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना। और रोजगार में जो व्यक्ति लगा है उसका क्या काम है, सेवा समझौते के अनुसार कार्य करना। जैसा भी समझौता नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हुआ है उसके अनुसार कार्य करना। थर्ड देखिए योग्यता, अंतर का आधार है योग्यता। व्यवसाय में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं, या कोई भी न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक नहीं है। निश्चित योग्यता की आवश्यकता, पैसे के लिए निश्चित योग्यता, जो भी डिग्री जो प्रमाण पत्र निर्धारित किए गए हैं उनकी आवश्यकता होती है। रोजगार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता नियोक्ता ने जो भी योग्यता निर्धारित की है वो होनी चाहिए। देखिए व्यवसाय के लिए कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी योग्यता का व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। पैसे के लिए निश्चित योग्यता यानी जिस विषय का वो विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, तो उनके पास संबंधित डिग्री होनी आवश्यक है। और रोजगार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है। नियोक्ता ने जो भी योग्यता निर्धारित की है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य डिप्लोमा, जो भी योग्यता निर्धारित की है वो होनी चाहिए। नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। अब देखिए नंबर फोर्थ, प्रतिफल। कार्य के बदले में जो भी कुछ मिलता है उसे कहते हैं प्रतिफल। तो यहां प्रतिफल क्या होता है, व्यवसाय में अर्जित लाभ। व्यवसाय में जो भी लाभ प्राप्त होता है वो व्यवसाय का प्रतिफल होता है। पेशेवर व्यक्ति को जो कुछ मिलता है उसको कहते हैं फीस। डॉक्टर फीस लेता है, वकील फीस लेता है, यहां जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं फीस। और यहां जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको कहते हैं वेतन या मजदूरी। ये नंबर फोर्थ कंप्लीट हुआ। अब देखिए नंबर फिफ्थ, पूंजी निवेश। अंतर का आधार है पूंजी निवेश। व्यवसाय में पूंजी निवेश आवश्यक है।
व्यवसाय में पूंजी का होना आवश्यक है। ऐसा में सीमित पूंजी की आवश्यकता, देखिए पूंजी का निवेश, व्यवसाय में पूंजी का निवेश आवश्यक है। अब कितनी पूंजी निवेश की जाए ये व्यवसाय के आकार और उसके प्रकार पर निर्भर करता है। पेशा के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। रोजगार के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूंजी नियोक्ता लगाता है, व्यक्ति केवल वहां रोजगार करता है, तो वहां पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बोल सकते कि जोखिम, सदैव जोखिम व्यवसाय में हमेशा जोखिम बनी रहती है। कम जोखिम और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार में कोई जोखिम नहीं। देखिए जोखिम पूर्ण से व्यवसाय में सदैव जोखिम बनी रहती है क्योंकि लाभ और हानि दोनों अनिश्चित होते हैं, तो जोखिम हमेशा बनी रहती है। पैसे की बात करें तो यह जोखिम कम होती है क्योंकि बदले में पैसे मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जोखिम होती है। रोजगार में कोई जोखिम नहीं होती है क्योंकि सारी जोखिम नियोक्ता की होती है। जो व्यक्ति रोजगार करता है उसकी कोई जोखिम नहीं होती है। अगला देखें वित्त हस्तांतरण। क्या अपना हित दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी क्या अपना काम दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है? व्यवसाय में कुछ कानूनी औपचारिकताओं के बाद में व्यवसायी अपना हित किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। संभव नहीं और रोजगार में भी हस्तांतरण संभव नहीं। व्यवसाय में संभव है, कुछ कानूनी औपचारिकता के बाद में हित को हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है तो दूसरा कोई व्यक्ति भी बैठकर उस दुकान को चला सकता है।
कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पैसे में संभव नहीं। एक डॉक्टर अपना वर्क, अपना हित किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल दूसरे के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता है। वकील अपना हित दूसरे को नहीं दे सकता है, क्योंकि कानून का ज्ञान केवल उसी के पास होता है, दूसरा व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता है। तो हित हस्तांतरण संभव नहीं है और रोजगार में भी हित हस्तांतरण संभव नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर 5 दिन छुट्टी पर जा रहा हूँ तो मैं अपनी जगह दूसरा व्यक्ति छोड़कर नहीं जा सकता, तो वहां भी हित हस्तांतरण संभव नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, आचार संहिता। आचार संहिता मतलब नियमावली जिसमें नियम लिखे होते हैं। व्यवसाय के लिए कोई निर्धारित आचार संहिता नहीं है। व्यवसाय के लिए कोई निर्धारित आचार संहिता नहीं है। शेष कल देखेंगे।